हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो नंबर वाले प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलो उन अध्यायों को देख लेते हैं, कहां कहां से दो अंक के प्रश्न आने वाले हैं। और एक जो है 3 अंक वाला जो है ना, वो भी छूट गया था, उसको भी मैं बता देता हूं। देखो, एक अध्याय है जीवों का विकास, ठीक है। इस अध्याय से 3 अंक वाले प्रश्न आने वाले हैं, तो ये अध्याय जो है वो छूट गया था। तो मैं इस अध्याय से जो जो प्रश्न आ सकता है उनको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, चलो ज्यादातर तो नहीं लूंगा, इसको देख लो। प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं, ठीक है, एक प्रश्न है। कृत्रिम चयन किसे कहते हैं, 3 नंबर में 2 प्रश्न। और अनुकूलन, ठीक है, किसे कहते हैं, ये प्रश्न, इसका उत्तर भी लगा हुआ है। जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन में क्या भूमिका है, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये छोटा छोटा प्रश्न है, दो दो अंक के, जो परिभाषा के तौर पर उदाहरण उदाहरण करके दे सकता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण 3 अंक के प्रश्न है वो ये है, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर बताइए। तो ये देखो, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में अगर 3 अंतर पूछेगा तो आपको ये उत्तर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, डार्विन और वैलेंस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इसका आधा उत्तर है, ठीक। नेक्स्ट है अवशेषी, देखो अवशेषी अंग किसे कहते हैं, समझाइए, इस प्रश्न को आपको देखना है। अगला है ये रहा डार्विन के, एक मिनट, डार्विन के विकासवाद की प्रेरणा देने वाले 2 घटकों को लिखिए, ठीक है, ये प्रश्न, और इसका आधा उत्तर यहाँ पे है, ठीक है। अगला देखो ये है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ए बी सी 3 सेट है, और तीनों सेट को मिला के मैं यहाँ पे प्रश्न बता रहा हूँ। तो ए सेट, बी सेट और सी सेट, तीनों में अलग अलग प्रश्न आएगा, इसलिए प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बाद देखो ये है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, वर्णन कीजिए, है ना। इसको उत्तर भी लगा है, कुरुंसर गुफा वाले, तो बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है, ये आसान प्रश्न है, आता है, यही ऐसे ही प्रश्न अधिकतर आते रहते हैं। क्या डायनासोर का विलुप्तिकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, ये रहा इसका कुछ हिस्सा, ठीक। और है क्या इसमें, बस इतने ही प्रश्न इसमें पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो अध्याय है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मिल गया, ये वाला अध्याय देखना है, ठीक है। यहाँ से भी 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, ठीक है, ये है, ठीक है, इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं दूंगा, इसमें भी 3 अंक के कम प्रश्न रहेंगे। जैसे एक प्रश्न ये, देखो संकर तथा संकरण से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपको देखना है, ठीक है। गुणसूत्र के कोई 2 कार्य, गुणसूत्र छोड़ दो, ये प्रभावी अप्रभावी, देखो प्रभावी अप्रभावी से आप क्या समझते हैं ना, ये है। जीन क्या है, जीन छोड़ो इस ऐसे प्रश्न को, ये छोटा प्रश्न है, 6 जीन वाला है। और एक प्रश्न ये है, ठीक है, ये वाला देख लो, ये ठीक है, फल उत्पादन बढ़ाने के लिए कैसे मदद करता है। तो अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद करता है, ये प्रश्न है। और ये रहा मटर वाला, है ना, हाँ ये मटर वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में, ठीक है। और ये भी प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आजकल के, ये देख सकते हो। और ये मेंडल के द्वारा वाला, है ना, मेंडल वाला भी प्रश्न यहाँ पे दिया हो, ठीक, ये है। और ये रहा इसका चित्र वाला, ठीक है। इसके बाद देखो ये मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए कहेगा, तो आपको इस तरीके से बताना है। नहीं, ये तो बड़ा प्रश्न है यार, इसको छोड़ दो, बड़ा प्रश्न ही देखें, बस इतने ही प्रश्न है इसमें, छोटे छोटे में, ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे 3 3 नंबर वाले का अध्याय छूट गया था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब 2 2 नंबर वाले देख लेते हैं। तो 2 नंबर वाले प्रश्नों में आपको ये अध्याय देखना है, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण में कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो पीएच मान क्या है, ठीक है, पीएच मान ये इस तरीके से बताना है। तो पीएच मान की परिभाषा भी आ सकता है, अम्ल और क्षार के देखो ये प्रश्न भी आ सकता है,
ये अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए, ठीक है? तो ये बता सकता है कौन कौन से है ना। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम, ये दो अम्लों के नाम बताए। 2 नंबर का प्रश्न है अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्राणघात वाला देख लो। प्राणघात वाला है, गंध है ना, प्राणघात मतलब गंध से सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जाती है, ये प्रश्न। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? देखो, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। और कौन सा है, हाँ ये ठीक है, मध्याह्न भोजन करते समय वाला ये प्रश्न है, और सुरेश एक दृष्टिवादी छात्र वाला है ये प्रश्न है। इसका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। और कोई प्रश्न है क्या? ये प्रश्न देख लो, 9वां प्रश्न, ठीक है, ये वाला हो गया। और सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला भी देख लो। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए, ये प्रश्न है। और कोई इसमें है, ये ग्लूकोस स्टार्च वाला देख लेना, ठीक है। और एक प्रश्न आपको ये वाला देख लेना है, दो पदार्थ के लिए दिखाई दे रहा है ना इसको, बस बस इसमें इतना ही है और थोड़ी है अब, है तो सबको तो नहीं देखना है। हाँ एक और मिल गया, ये रहा, ठीक है, टीकेश्वरी के खेत की मिट्टी का पीएच मान वाला 4.2, ठीक है, ये प्रश्न है। और उदासनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देखा, छोड़ दो उदासनीकरण वाला, ठीक है, लवण वाला, लवण किसे कहते हैं, छोड़ दो इसको भी, ठीक, बस इतना ही प्रश्न आपको इसमें पढ़ना है 2 नंबर के लिए। और ये तो हो गया है ना, नेक्स्ट जो अध्याय है इसको देख लेते हैं। ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस अध्याय से भी आने वाला है, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण में 2 नंबर के प्रश्न में कौन कौन सा पढ़ना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये प्रश्न पढ़ना है, किसी वर्ग समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होता है ना, ये प्रश्न है। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्यों, कोई दो कारण बताइए, ठीक है, ये प्रश्न है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होती है, ये प्रश्न है। ये आधुनिक आवर्त नियम वाला है ना, ये प्रश्न आपको देख लेना है, इसका उत्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से देखो, वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनयोग 2, 8 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान बताइए, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये 13 तत्व वाले इलेक्ट्रॉनिक वाला ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ, ये ठीक है। ये आधुनिक आवर्त सारणी में कितने को कितने तत्वों में बांटा गया है, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। आयनन विभव देख लो, ये आने वाले सब प्रश्न है, आयनन विभव, ठीक है, आयनन विभव हो गया। और इसके बाद है ये देखो, उपधातु किसे कहते हैं, ठीक है, एक उदाहरण द्वारा बताइए, तो ये प्रश्न है। ये सब आने वाला प्रश्न है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और भी इसमें प्रश्न है लेकिन सबको नहीं देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखो यहाँ पे ये वाला प्रश्न देख लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन 2, 4, 1 किस वर्ग आवर्त में, ये है, और हाइड्रोजन को किस समूह के, हाँ ये देखो, ये वाला प्रश्न है, ठीक है, ये वाला प्रश्न है, 2 नंबर वाला है। और है क्या कोई प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी आर्गन पोटेशियम का है, पर इतना इम्पोर्टेंट में नहीं लेंगे उसे, ठीक है, ये प्रश्न देख लो, ये वाला, ठीक है। और कुछ है, ये हेलोजन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला दिख है ना, ये लिथर मेथर वाला है, इसको देख लेना। और कौन सा है, 2 नंबर में, ये छोटा प्रश्न है, ये वाला, और ये भी छोटा प्रश्न है, इसका उत्तर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं ये प्रश्न नहीं आएगा, छोड़ो, चलो इसको देखो सीधा, ये वाला देख लो, ठीक है, ये प्रश्न। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये प्रश्न है। और एक और प्रश्न है, ये रहा, ठीक है, बस इतना ही प्रश्न है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इनके आने के चांसेस कम रहेगा, ठीक है, फिर भी इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये प्रश्न और ये प्रश्न, ठीक, ये तो हो गया। और इसके बाद आपको अगला जो अध्याय देखना है,
दैनिक जीवन में रसायन कहाँ पे है भाई? ये रहा, देखो दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। दैनिक जीवन रसायन से कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है ये प्रश्न, बेकिंग सोडा वाला, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, ये प्रश्न है। उत्फुलन किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको देखना है। बेकिंग पाउडर किन यौगिकों का मिश्रण है, ये प्रश्न देखना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है दीमक की वजह, इसको भी छोड़ दो। हाँ देख, इसको डायरेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग लिखिए, ये प्रश्न देख लेना है। विरंजन चूर्ण के दो उपयोग लिखिए, है ना, ये प्रश्न। और ये देखो, सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता क्यों, ये प्रश्न देखना है। और इसका कुछ उत्तर जो है यहाँ पे है, ये रहा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृदु तथा कठोर जल किसे कहते हैं, ठीक है, ये प्रश्न। नेक्स्ट है बर्फीले, ये वाला भी आपको पढ़ना है, बर्फीले वाला, ठीक है। और एक है ये कपड़े वाला, ठीक है, ये प्रश्न भी आपको पढ़ना है। इसके बाद कठोर और मृदु जल में अगर पूछता है ना, अंतर आता है, तो आपको मृदु जल और कठोर जल वाला देखना है, ठीक है। जल किसे कहते हैं, तो ये पहले से मैंने बता दिया है, इसको और देखने की जरूरत नहीं है। जल की कठोरता के कारण कितने प्रकार के होते हैं, छोड़ दो। अस्थाई कठोर, अकठोर, और कोई है क्या? बस इसमें इतना ही है, ठीक है, इसमें इतना है, ज्यादा नहीं है, इतने को देखना है इसमें। और है नेक्स्ट जो अध्याय हमें देखना है, उसको मैं दिखा देता हूँ। 17 कहाँ पे है? हाँ ये रहा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यहाँ से भी दो अंक के प्रश्न आने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, है ना। तो इससे कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, एक तो ये प्रश्न पढ़ना है, इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं यार, इसी अध्याय से तो ज्यादा आया क्या, चलो देखना तो पड़ेगा। देखो एक प्रश्न ये है, ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है, इसको भी देखना है, तीसरा, चौथा प्रश्न, उत्तर सबका लगा है ना, पांचवा प्रश्न, छठवा प्रश्न, यहाँ पे अपमार्जक वाला दिया है, सातवा, एल्कोहल वाला दिया, आठवा, है ना, ये नौवा प्रश्न, आईयूपीसी नाम उनसे संबंधित है। सबसे ज्यादा इसी अध्याय से आया प्रश्न, ये भी हो गया। इष्ट में कौन सा एंजाइम है ना, सिरका किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। साबुन वाला देखो, अपमार्जन ने ले लिया है, मतलब साबुन का स्थान अपमार्जन ले लिया है, इसका भी उत्तर है। ये वाला, ठीक है, ये एक नंबर का प्रश्न है, एक नंबर वाले प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न, एक एक नंबर वाला है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो। और ये वाला प्रश्न, हाँ ये है दो नंबर का, 15वां प्रश्न, ठीक है, इसका मैं पूरा दिखा देता हूँ, ये रहा। और कौन सा देखना है इसमें, हाँ कठोर जल वाला, साबुन वाला है ना, समझा दिया था क्या, मृदु जल और कठोर जल के बारे में लिखना है थोड़ा सा, बस इतना ही प्रश्न है इस अध्याय में, हो गया ये भी कंप्लीट। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है हमारा पर्यावरण वाला, देख लेते हैं हमारा पर्यावरण कहाँ पे है। हाँ ये रहा, मिल गया, हमारा पर्यावरण से भी प्रश्न आने वाले हैं। तो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, इस अध्याय से भी देख लो, अध्याय का नाम हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, इस अध्याय से भी आने वाले दो अंक प्रश्न। तो कौन कौन सा पढ़ना है, तो दो नंबर के लिए छोटे छोटे जितने भी प्रश्न देख लो। देखो जीवों के भिन्न प्रकार के आवास कौन से, ठीक है, ये है। इसमें जो दिया है ना, जरूरी नहीं है कि इसमें दिया वही प्रश्न उठाए, है ना, बाहर से आ सकते हैं, इसमें जो प्रश्न दिया है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं कुछ प्रश्न दे देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, पर ये इनके मतलब जो बता रहे हैं यहाँ से ना उठा के बुक के अंदर से कुछ भी प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। तो ये रहा, हाँ ये परितंत्र में संरचनात्मक घटक का केवल नाम लिखे, जैसे उत्पादक, प्राथमिक उद्भोक्ता, द्वितीयक उद्भोक्ता, तृतीयक और ये अपघटक, इन्हीं में से कोई एक को उठाएगा, मुझे जहां तक लगता है ना,
इनके बारे में मेरे इसमें जानकारी तो नहीं दिया है, लेकिन उत्पादक किसे कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक और अपघटक किसे कहते हैं, ये ज्यादातर देखना। उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज्यादातर इसी प्रश्न को ज्यादातर उठाएंगे ये लोग। फिर भी इसके अलावा ये प्रश्न इसमें नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके अलावा कुछ और प्रश्न है, जैसे जय भार है ना, ये देख लेना। अपघटक किसे कहते हैं, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है ये परितंत्र के प्रकार का नाम बताइए, है ना, ये प्रश्न। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। क्या सभी पौधे को उत्पादक कहा जा सकता है, ठीक है, उत्पादक से संबंधित समझना है, देखो इस टॉपिक को पढ़ के समझ सकते हो। पारिस्थितिक, नेक्स्ट है पारिस्थितिक शंकु क्या है, किसी परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है, ठीक है, ये प्रश्न है। इसमें सिर्फ दो पॉइंट ही आपको देखना है, बहुत सारे पॉइंट है, दो देखना है, ठीक है। ये देखो खाद्य श्रृंखला के बारे में अगर पूछेगा, खाद्य जाल के बारे में, तो ये है। जैव घटक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में ये लिखना है। अजैव घटक कहेगा तो आपको ये लिखना है, बस इसमें इतना ही प्रश्न है। और कुछ होगा क्या, नहीं, जैव विविधता दिया हुआ है, जैव विविधता देख लेना, ठीक है। जीवन में पाए जाने वाले विविधता को जैव विविधता कहते हैं, यही तो इसका परिभाषा है। और ऊर्जा के 10% नियम आपको पता है ना, नहीं पता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर देख लो। ये रहा 10% नियम, ये ऊर्जा के 10% नियम क्या होता है, अगर आप जो भी चीज खा रहे हो ना, तो आप खा रहे हो 100% खाओगे, लेकिन आपको उससे ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ 10% ही प्राप्त होगा, यही ऊर्जा के 10% का नियम है। ये चीज आपको परिभाषा के तौर पे लिखना है, ठीक है। ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है। चलो देखो कहाँ पे है, इसमें मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अध्याय जो है वो ज्यादा के लायक तो नहीं है। पोषण परिवहन श्वसन, हाँ यही है, देख लो। जैविक प्रक्रिया पोषण परिवहन श्वसन और उत्सर्जन दिया हुआ, ठीक है। इससे 2 नंबर के प्रश्न में कौन कौन सा पढ़ना मैं बता देता हूँ। एक तो आपको ये पहला वाला देखना है, ठीक है, पहला। और यहाँ पे जाइलम उलम के बारे में भी बताया, देख लेना। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न देखना है, पाचन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, ये है। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट प्रश्न है, परपोषी पोषण किसे कहते हैं, इसको देखना है, ये हो गया। और इसके बाद इसमें बहुत सारे हैं लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। आक्सी श्वसन का रासायनिक, हाँ ये आक्सी श्वसन वाला देख लो, ठीक है। आक्सी श्वसन का रासायनिक समीकरण, ये हो गया। और ये है रसाकर्ण या परासर, क्या है, परासरण किसे कहते हैं, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद रुधिर से संबंधित है, तो रुधिर प्लेटलेस, रुधिर क्या है, प्लेटलेस है, ये छोटे छोटे प्रश्न है, इनके आने के चांसेस नहीं के बताओ। चलो ये देखो आरएच फैक्टर देख लो, आरएच फैक्टर है। और ये हीमोग्लोबिन से संबंधित है, 2 कार्य लिखे, ये प्रश्न। और एक है ये है, और एक और होगा इसमें, ये रहा विसरण किसे कहते हैं, ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद ये जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, ये दिया हुआ है, इस अध्याय से देख लेते हैं। इस अध्याय से कौन सा प्रश्न पढ़ सकते हैं, जैविक नियंत्रण क्या क्या दिया है, चलो देखते हैं कौन कौन सा है। देखो ये पहला प्रश्न है, और ये तीसरा प्रश्न है ना, और चौथा प्रश्न देखो सूत्र युग्म, ठीक है, समन्वय, ये रहा समन्वय क्या है, वो एक उदाहरण दीजिए कह रहे, ये प्रश्न है। तंत्रिका आवेग क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख, एक मिनट कहाँ है, हाँ ये केंद्रीय तंत्र के प्रमुख, ये वाला हो गया। ये दोनों प्रश्न देख लो, 8वां 9वां। और नमक वाला भी हो गया, आयोडीन ओडीन वाला, ठीक है, ये हो गया, इसको भी देख लेना है। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है। 11वां तंत्रिका तंत्र आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो पादपों हार्मोन वाला कह रहे हैं, ये प्रश्न। और ये अंतिम प्रश्न है 13वां, बस इतना प्रश्न इसमें देखना है। अब कौन सा बचा, प्रजनन विधि और परिवर्धन, बस बचा एक अध्याय और बचा है, एक अध्याय बस और बचा है, उसके बाद ये कंप्लीट है, यही बस और बचा हुआ था। देख लो जैविक प्रक्रिया प्रजनन वृद्धि एवं परिवर्धन दिया हुआ है ना, यही बस बचा हुआ था। तो इस अध्याय से 2 नंबर में कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, देखो निषेचन वाला पढ़ना है आपको। निषेचन प्रक्रिया में नर और मादा की क्या भूमिका है,
ये गर्भरोधन की दो विधियों का विवरण लिखिए। नेक्स्ट है प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन के प्रकार अगर पूछ सकता है तो ये लिखना है। विखंडन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, विखंडन तो आपको पता होगा, ठीक है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं ये आपको देखना है। तने उन्हें बत्तियां छोड़ दो इसको, ये रहा वर्धी, ठीक है, वर्धी प्रजनन। फूलों के दो जननांगों के नाम पूछेगा तो ये आपको बताना है, ठीक है। और ये कोई दो उभयलिंगी जीवों के नाम पूछेगा तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट है निषेचन क्रिया, ठीक है, बीजाणु किसे कहते हैं। और ये मुकुलन, ठीक है, मुकुलन है। पुरुद्भवन किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं। और है क्या इसमें, दो प्रश्न और हैं। प्रजनन किसे कहते हैं और युग्मन क्या है, ठीक है, ये देख सकते हो, प्रजनन और युग्मजन, ठीक है, ये प्रश्न है। और इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहो तो ये दो तीन प्रश्न और हैं, मैं इसे छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना, देख सकते हो। ये प्रश्न महावारी क्या है, और ये प्रश्न वाला है ना, और एक प्रश्न है नर युग्मक मादा युग्मक में अंतर पूछेगा तो आप बताना, ठीक है। और ये बाह्य निषेचन अंतरिक्ष निषेचन में क्या अंतर है, ठीक है, ये बड़ा प्रश्न है। ये भी 4 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला 4 नंबर में देखने को मिल सकता है, 4 नंबर मैंने ऐड नहीं किया है, ये भी 4 नंबर में देखने को मिल सकता है।